हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, आप सभी ने नाम सुना होगा। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, एनटीटी, पीआरटी और भी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर टेट की रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है, सीटेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की अलग अलग ब्रांचेज हैं अलग अलग जगह पर। तो कहाँ से फिलहाल नोटिफिकेशन जारी हुई है, आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स कवर करते हैं। डिटेल्स कुछ इस तरीके से, पहले प्री प्राइमरी टीचर के लिए और भी वैकेंसीज हैं, ऊपर स्क्रॉल करेंगे हम देखेंगे। पहले प्री प्राइमरी टीचर के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इस तरीके की डिस्प्ले है, थोड़ी डिस्प्ले क्वालिटी लो है। तो डिग्री एंड डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मॉन्टेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर प्राइमरी टीचर में ग्रेजुएट हैं और डीएड है, तो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है और डीएड की डिग्री है। अपर प्राइमरी एंड हाई स्कूल मतलब हो गया आपका टीजीटी, पीजीटी वगैरह के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, मींस जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में बीएड अगर है। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर है, ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, स्कूल टीचर स्पेशल एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, एटलीस्ट टू ईयर ऑफ टीचिंग। और भी वैकेंसीज हैं तो वो ऊपर देख लेते हैं हम। जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग तीन लोकेशन पर है। सबसे पहले अजीम प्रेम जी कालबुर्गी में है, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट के लिए। अजीम प्रेम जी यादगीर में है, अजीम प्रेम जी बेंगलुरु में। तो ये तीन लोकेशन के लिए 22 नवंबर 2021 को अपडेट हुई है। मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी क्योंकि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में बीच बीच में अपडेट आती रहती है, तो मैं ऐसे बाय द वे अपडेट चेक कर रही थी कि है अगर कोई नोटिफिकेशन। तो मुझे नजर आई कि एक 22 नवंबर की काफ़ी लेट नहीं हुई है, अभी भी तीन चार दिन, पाँच दिन के अंदर आप एप्लीकेशन डाल दें। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें यहाँ पर इसके लिए क्लिक करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, एक बात और है, अजीम प्रेम जी में मेरी एक सब्सक्राइबर का पिछले साल या इसी साल रिसोर्स पर्सन में सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें सिलेक्शन भी होती है। रोल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, 2 ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ पर यादगीर, कालाबुर्गी और बेंगलुरु, ये तीन लोकेशन पे है, अप्लाई कर दें। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अजीम प्रेम जी की ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से कर्नाटक का में अभी ओपनिंग है, और भी ओपनिंग आती रहती है यहाँ पर अलग अलग जगह पर है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन। तो नई एकेडमिक सेशन शुरू होगी तो उस वक्त ज़रूर और बहुत सारे वैकेंसीज आएंगे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो मैं अपडेट ज़रूर करूँगी। जहाँ तक सैलरी जैसे मैंने सर्च किया वगैरह तो मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि 35,000 के अराउंड सैलरी दी जाती है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में। तो ये एक बेस पकड़ के आप एप्लीकेशन डालना चाहें तो कर्नाटका में है, इसमें तीन लोकेशन आपको बताया, कालाबुर्गी, यादगीर और बेंगलुरु लोकेशन के लिए। तो साउथ इंडिया के लिए अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, बाहर से भी एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं बिल्कुल एप्लीकेशन। इसकी लिंक आपको मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक आपको जरूर मिल जाएगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।